वेलकम 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 बच्चों, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको पता है मैं आपके लिए ताली क्यों बजा रहा हूँ और क्यों आपको बधाई बधाई दे रहा हूँ। तो ये जो मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ या आपको बधाई दे रहा हूँ, कोई गेस करेगा किस लिए मैं दे रहा हूँ? कोई बताएगा? हाँ, शायद कुछ बच्चों को पता चल गया है। बच्चों, आपने हमारे विद्यालय प्रेयर की जो शुरुआत होती है, जिस संस्कृत श्लोक से होती है, उसकी तीनों लाइनें गाना सीख लिया, इसलिए तो आपको मैं बधाई दे रहा हूँ और तालियां बजा रहा हूँ। समझ गए? तो अब आपको तीनों लाइनें पढ़ते आ गई है ना, रीड करते आ गई और गाते भी आ गई। और कुछ बच्चे तो तीनों लाइनें बहुत फटाफट फटाफट बोल लेते हैं, और कुछ थोड़ा सोच सोच के रुक रुक के लेकिन बोल लेते हैं। अब सिर्फ बोलना या एक एक लाइन को अलग अलग से गाना काफ़ी नहीं है, अब हमें ये तीनों लाइनों को एक साथ प्रैक्टिस करना है। हाँ, आप कहोगे सर इतनी तीनों लाइनें, ऐसे सब वर्ड्स हैं उसमें, और एक साथ तीनों कैसे याद होगी, है ना? कोई डरने की बात नहीं, आप लोग जब एक एक करके तीनों लाइनें सीख सकते हो तो तीनों लाइनें जोड़ करके भी सीख सकते हो, गा सकते। सीख तो लिया है, बस अभी तीन बार उसको याद रख के गाना है। तो आइए, इस वीडियो में अब कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, इस वीडियो में आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो कैसे तैयार होंगे, आपको पता है ना, इस वीडियो की आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही हो और गला वाला सब साफ कर लिया हो और कोई डिस्टर्बेंस आपको बीच में ना हो, तो इस तरीके से आप बैठ गए। बैठ गए, हाँ दिख रहा है भाई, बैठ गए। जो नहीं बैठे अभी भी बैठ जाओ, ठीक है? तो बैठ जाओ, अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी जस्ट हम करने वाले हैं। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता ही है। पहले हमने कैसे किया था कि पहले जो मैं गाता था और आप सुनते थे, उसके बाद फिर आप गाते थे, लेकिन अब वो छोटी छोटी एक एक लाइनें थी। लेकिन अब क्या है, अब तीनों लाइनें एक साथ गाना है। तो अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मैं पूरा तीनों लाइनों को गाऊंगा और गाने के बाद फिर आप भी गाएंगे और मैं भी गाऊंगा। जब मैं गा रहा हूँ फर्स्ट टाइम क्या होगा, मैं गाऊंगा, आप आंख बंद करके सुनेंगे, गाएंगे नहीं। सेकंड टाइम क्या होगा, मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे, और आप गाते गाते मेरा गाना भी सुनेंगे और अपना गाना भी सुनेंगे। और थर्ड टाइम क्या होगा, मैं नहीं गाऊंगा और कौन गाएगा, आप। अपने मम्मी पापा को मत गाने के लिए लगाना, अब आपको गाना है। जब स्कूल में प्रेयर होगी तो अभी आपके पेरेंट्स भले ही आपको सिखा रहे हो, वो भी सीख जाए, अच्छी बात है, लेकिन आपको तो स्कूल में या सारे बच्चों के साथ तो आपको अकेले गाना है। आप तो बड़े हो गए हो ना, अब तो उंगली पकड़ के चलने की आदत आपको छोड़ना होगा। अब स्कूल तो जाना नहीं है, इसलिए उंगली पकड़ के चलना भी अभी नहीं हो पाया इस बार, तो है ना। तो अब गाना आपको इस तरह से सीखना है। स्टेप्स याद हो गए, फर्स्ट स्टेप मैं गाऊंगा, आप सुनेंगे, सेकंड स्टेप मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे, थर्ड स्टेप मैं नहीं गाऊंगा और फिर आप गाएंगे। यहाँ इस तरह से एक राउंड कंप्लीट होगा तीनों लाइनें एक साथ गाने का। चलो, तो तैयार? हाँ, अभी अगर आपको याद नहीं है और अगर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हो तो सामने लिरिक्स जो है गाने के बोल जो लिखे हुए हैं, वो नोटबुक या स्टूडेंट डायरी या जिसमें भी आपने लिखा हो सामने रख सकते हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो जिनको याद है भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो याद रख के गाइए, नहीं है तो सामने रख के गाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप वन स्टार्ट, ओके, माई टर्न एंड यू विल लिसन, रेडी? Oh.
सतो मा सद्गमय तमसो अमृतं गमय। अब मैं भी गाऊंगा और आप भी गाएंगे, दोनों साथ साथ गाएंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति अमृतं गमय। अब आपको गाना है और मैं सुनूंगा और साथ में आपके लिए ट्यून बजाऊंगा, ठीक है? ट्यून में भी आपको पता चलेगा वर्ड जब चेंज होगा। तो तैयार रहिए। 1 2 3 स्टार्ट। एकदम से तीनों लाइनें गाने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, तो चलो हम शुरुआती दौर में शुरू में आपको बताते चलेंगे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है? फर्स्ट लाइन ओम असतो मा सद्गमय यहाँ तक, फिर सेकंड लाइन तमसो मा ज्योतिर्गमय, थर्ड लाइन मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो मैं 1 2 3 ऐसे आपको दिखाता जाऊंगा। अभी तो आपको आँख खोल करके सीखना है। एक्चुअल प्रेयर में आपको हाथ जोड़ के ये सब कुछ आँख बंद करके गाना होता है, लेकिन अभी आँख बंद नहीं करेंगे, ठीक है? अभी देखते देखते गाइए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते समझते गाइए, ठीक है? तो अब मैं आपको इशारा करूँगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर से शुरू करते हैं। मैं तीनों लाइनें गाऊंगा और आप उसको सुनेंगे, फिर मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे, लास्ट में मैं नहीं गाऊंगा, आपको ऐसे 1 2 3 बताऊंगा और फिर आपको गाना है तीनों लाइनें। ओके, गा सकते हैं ना? बिल्कुल गा सकते हैं। अभी देखो पहली बार में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब सेकंड टाइम में हमने जो चेंज किया है आपको इशारा दिखाएंगे 1 2 3 देख करके, आपको याद आ जाएगा।
फिकर नॉट, चलो ठीक है स्टार्ट। अब मेरी बारी, आप सुनेंगे। अब मैं भी गाऊंगा और आप भी गाएंगे, चलो रेडी स्टार्ट। अब आपकी बारी, ठीक है। मैं 1, 2, 3 बताऊंगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन गाना है। ओके रेडी, आंख बंद करके याद कर लो, फर्स्ट लाइन क्या थी, ओम अस्तोमा सद्गमय। सेकंड लाइन शुरू कहाँ से होती थी, तमसोमा, फिर आगे आता है ज्योतिर्गमय। थर्ड लाइन में क्या होता है, वो वाला मुश्किल वाला था ना एक वर्ड, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओके चलो, अब आपको देख के बराबर गाना है, गा लोगे ना, चलो रेडी स्टार्ट। देखो 1, 2, 3 ऐसे आपको दिखाने से आपको उसका फायदा हुआ ना। आप बराबर से, ज़्यादा बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बराबर से गा पा रहे हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट सेकंड लाइन पता चल रही है कि अब फर्स्ट लाइन गानी है, अब सेकंड लाइन गानी है, अब थर्ड लाइन गानी है। तो जो मिक्स हो जाता था ना लाइन, ओम अस्तोमा ज्योतिर्ग बोलना, इसको इस तरह से बोलना नहीं है, ये तो ये आदत पड़ जाती है, और फिर अस्तोमा के बाद सीधे अमृतम गमय, ऐसा कुछ कुछ होता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा आप जो अभी इस वीडियो को देख के सीख रहे हो, ऐसी गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि आप जो है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से
ये देखते हुए और नंबर को याद रखते हुए कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे करके ही आप इसको सीख रहे हो और वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब फिर आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों के साथ मिलके गाने में क्या होता है कि आप अकेले क्या गा रहे हो वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप जो गाते रहते हो वही गाते रह जाते हो और वही आदत पड़ जाती है। बाद में फिर आपको सही समझ में आने के बाद भी वो आदत जल्दी छूटती नहीं। चलो लेकिन अभी हमने गलत गाया ही नहीं तो हम उसके बारे में क्यों बात करें। ठीक है, हाँ एक चीज़ है, अभी आप कहोगे सर बहुत स्लो हो रहा है, बोर हो रहा है ना, इतना धीरे गाने में तो लम लाइन भूल जा रहा है। एक्चुअल में आपको अगली लाइन याद करने के लिए टाइम मिले, इसलिए भी ये जो है थोड़ा सा स्लो चलती है प्रेयर। ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे दिक्कत हो रही तो एक ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे मृत्युर्मामृतम गमय, जो ये मुश्किल वर्ड था हमने इसको फास्ट बोलते बोलते याद किया। ठीक है, तो अब ये तीनों लाइनें भी थोड़ा सा हम फास्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्यून में करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब ट्यून में साथ ही गाना। ठीक है, अब रीडिंग सीखने के लिए ठीक था, अब रीडिंग मत करना, अब ट्यून के साथ ही गाना। ठीक है, फास्ट करते हैं चलो। हाँ लेकिन ऐसा वाला फास्ट गाना एक्चुअल में प्रेयर के साथ नहीं गाना, ये आपको तीनों लाइनें एक साथ गाने में और याद करने में, एक के बाद एक के बाद गाने में और याद करने में सुविधा हो, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, अब धीरे 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 फास्ट करते हैं। चलो रेडी, ओके। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ठीक है, ये स्पीड, हाँ फिर धीरे धीरे और फास्ट करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, अभी मेरे साथ साथ ही गाएंगे, जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती है आप भी बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे से आगे मत भागना। ठीक है, मेरे से ज़्यादा फास्ट नहीं करना, ये कंपटीशन नहीं चल रहा है। ठीक है, आप कोई किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा है, ये किस लिए हम कर रहे हैं कि बोलते 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 फास्ट बोलने मज़ा आता है ना, तो बोलते बोलते हमको याद हो जाए। चलो ठीक है, अब धीरे धीरे फास्ट करेंगे, मेरे से आगे फास्ट कोई नहीं बोलेगा, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आप लोगों से भी एक बार में एक बार आप ऐसे करके करवाने वाला हूँ, तो उस समय आप अगर मेरे से फास्ट करने लगे, फास्ट करना, फास्ट बोलना सबको पसंद होता है, लेकिन हम फास्ट क्यों कर रहे हैं कि हमको याद हो जाए, सिर्फ इसीलिए। हाँ एक्चुअल में इसको फास्ट नहीं बोलना है, तो अब मेरे साथ साथ आपको जैसे मैं जितने फास्ट मैं बोल रहा हूँ उतने फास्ट आपको बोलना है। रेडी, अब स्पीड आपको मैंने बता दी स्टार्टिंग वाली, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये लाइनें भी मैं बताता रहूँगा और आगे आगे शायद बताना बंद कर दूँ, तब आपको आदत हो जाएगी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन गाने की, तो अपने आप आपको आ जाएगा। चलो रेडी, ओके। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। रेडी, ओके। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताऊं, चलो बताता हूँ। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आ रहा है मजा? ठीक है, मेरे साथी हैं, मेरे आगे फास्ट मत गाना, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब धीरे 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 हम स्पीड बढ़ाएंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। सेकेंड टाइम ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है? अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लाइन बताते जाता हूँ, यही स्पीड रहेगा। ओके रेडी स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। देखो अब मेरे ख्याल से 1 2 3 लाइनें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इस स्पीड में याद कर लोगे। तो फिर भी चलो देखते हैं एक बार और। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब और थोड़ा फास्ट चलो, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओके और थोड़ा फास्ट चलो, रेडी। वर्ड्स गड़बड़ मत करना भाई, ठीक है? देख चलो गाओ मेरे साथ, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अब और हम इसको कंटिन्यू 3 बार बोलते हैं यही स्पीड में, ठीक है? फिर वापस स्लो में आ जाएंगे। और जिनको फास्ट में याद हो रहा है वो फास्ट बोल के याद कीजिए, याद होना चाहिए, ठीक है? हाँ 1 2 3 हाँ रेडी, अब यही स्पीड 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओके थोड़ा फास्ट देखते हैं और, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आ जाएगा? चलो अब ये वाले स्पीड में हम करते हैं और उसके बाद फिर वापस स्लो में आ जाएंगे, क्योंकि इतने स्पीड से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से वर्ड्स फिर आपको याद हो जाएंगे। ओके चलो 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। 1 2 3 स्टार्ट। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। 1 2 3 स्टार्ट। ॐ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय 1 2 3 स्टार्ट ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय 1 2 3 स्टार्ट ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय 1 2 3 स्टार्ट ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय 1 2 3 स्टार्ट ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय 1 2 3 स्टार्ट बस यही नहीं करना है और फास्ट और फास्ट और फिर क्या होगा फास्ट फास्ट में सब फुस हो जाएगा। हाँ फुस नहीं करना है भैया। ये हम क्यों कर रहे थे क्योंकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए। हाँ तो अब इतनी फास्ट बोलने के बाद थोड़ा सा एक मिनट के लिए आँख बंद करके बैठिए और उसके बाद फिर हम जैसे प्रेयर में गाते हैं वैसे गाएंगे उसी तरह से जैसे एक बार मैं गाऊंगा फिर सेकेंड टाइम मेरे साथ आप गाएंगे और लास्ट टाइम फिर क्या करेंगे मैं नहीं गाऊंगा आप गाएंगे हारमोनियम की ट्यून के साथ। रेडी चलो आंख बंद करके एक मिनट के लिए बैठ जाओ और मैं भी देख रहा हूँ आप बैठ रहे हो कि नहीं। हाँ ठीक है चलो आंख बंद कर लो और आपका एक मिनट शुरू होता है आपका समय शुरू होता है अब। हिलते डुलते नहीं है चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं तो जो फास्ट में बोल के जो अभी एनर्जी आई है वो फिर सब गायब हो जाएगी। चलिए अब आपको वापस अपने ट्यून के साथ गाना है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है अब ये जो अगला राउंड है इसमें 3 स्टेप वाला राउंड होगा और इसको यहाँ पर 5 बार हम रिपीट करके इस वीडियो में आपको चलाएंगे आपके लिए चलाएंगे और आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको जब अच्छे से याद हो जाए तो अब तो हो ही जाएगा इस वीडियो के साथ अगर आप गा रहे हैं तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आगे तो हमारा प्रेयर जो है वो हिंदी में है दया कर दान विद्या का लेकिन 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 उसको भी इतना इजी मत समझना। इजी तो है संस्कृत से लेकिन उसमें भी गड़बड़ बहुत होती है बाबा है ना तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए उसको भी इसी तरह से ध्यान से सीखना होगा। तो चलिए अब आज के वीडियो का ये लास्ट पार्ट जिसमें ये 3 स्टेप वाला प्रैक्टिस अभी जो आप देखेंगे इसको बार बार आपको करना है हमारे साथ में। फर्स्ट स्टेप में आप मेरे साथ गाएंगे सेकंड स्टेप में हम दोनों गाएंगे मतलब आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो और मैं और थर्ड स्टेप में मैं आपको सिर्फ आपके लिए बजाऊंगा और आपको गाना है और यही प्रैक्टिस आपको 5 से 10 बार करनी है। ठीक है और उसके बाद फिर आराम से रिलैक्स हो जाइए। और शुरू में क्या किया था हमने याद है किसको याद है मैंने इस वीडियो के शुरू में क्या किया था तो अब आगे जो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो अगर 10 बार आपने की तो उसके बाद आराम से आप अपने लिए ताली बजाइए अपने आप को बधाई दीजिए और ऐसे अपने हाथ से पीठ थपथपाइए शाबाश शाबाश क्यों बताइए क्यों
क्योंकि ये तीनों जो लाइनें हैं संस्कृत की इस श्लोक की आपको बिना देखे बोलते और गाते आ जाएगी, है ना। तो लेकिन कब आएगी, जब आप इस इसके आगे 10 times हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तब। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, रेडी। फर्स्ट राउंड, अब आगे मैं राउंड नहीं बोलूंगा, यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा और आपको फिर उसके साथ 10 times करना है। फर्स्ट राउंड में मेरे साथ, बार बार मैं बता रहा हूं ताकि 10 बार करने में आप गड़बड़ ना कर दो। फर्स्ट राउंड में मेरे साथ नहीं गाना है, आपको सुनना है। फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में पहले स्टेप में आपको सुनना है, मैं गाऊंगा। सेकंड स्टेप में आपको भी गाना है, मुझे भी गाना है। थर्ड स्टेप में सिर्फ आपको गाना है और मुझे बजाना है। रेडी? ओके, रेडी फॉर 10 times। ओके चलो, 1 2 3 स्टार्ट। तो सद्गमय तमसो सेकेंड स्टेप असतो स्टेप। रेडी स्टार्ट। तमसो मा
दृष्टिर्गमय मृत्यु अमृतम गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु